हर एक मनुष्य ने अपने जीवन में हीरक अर्थात हीरा और दर्पण दोनों देखे, दोनों श्वेत है, दोनों प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए दोनों भी चमकते हैं। अब आप मन ही मन में सोचेंगे ये भला कैसे तुलना है, एक हीरा तो रत्न है, इसका मूल्य तो दर्पण से कई गुना अधिक है। अब हीरे के आ जाने से दर्पण का मूल्य तो कम नहीं होता, क्यों? मनुष्य जब हीरा अपने पास लेता है तो सबसे पहले क्या ढूंढता है? दर्पण, ताकि उसमें देख के वो पता लगा सके कि वो हीरा जो है वो उसे शोभा दे भी रहा है या नहीं, जच रहा है या नहीं, श्रृंगार के लिए इसका उपयोग किया भी जाना चाहिए या नहीं। अर्थात हीरे के आने से दर्पण का मूल्य कम नहीं हुआ, दर्पण के कारण हीरे का मूल्य ज्ञात हुआ। ऐसे ही जीवन में भी होता है। कभी आप संसार में अपने आसपास देखते हो, कई सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महानतम स्तर पे हैं, निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं, और आपको उन सबके मध्य में ऐसा लगता है जैसे आप दर्पण हैं। तो छोटा अनुभव मत कीजिए, आपका मूल्य कम नहीं हुआ है, आपका भी मूल्य है। और यदि आपका अस्तित्व ही ना हो तो उनके मूल्य का मूल्य ही नहीं होगा। जीवन में सदैव प्रयास कीजिए कि आप और अधिक श्रेष्ठ बन सको, किंतु जो आप हो उसे कम मत समझिए, उसका भी अपना एक मूल्य है। यदि आप हीरा हो तो अभिमान न कीजिए, यदि आप दर्पण हो तो स्वयं को छोटा ना समझे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।